पंचायत चुनावों के मद्देनजर आज एडीजीपी श्रीकांत जाधव ने यमुनानगर के घड़ोला गांव में सरकारी स्कूल का दौरा किया, जहां उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कर्मचारियों को निर्देश दिए। वहीं गड़ोल गांव में सुबह से वोटरों में उत्साह दिखाई दिया। की तो हम विशेष तौर पे निगरानी करते हैं, टूरिंग भी जो पेट्रोलिंग है वो भी उसी प्रकार से, डिप्लॉयमेंट भी अलग होती है, उन पर पुलिस की पैनी नज़र रहती है और उसको हमने अच्छे से कवर किया। सर, पंचायत चुनाव जैसा कि मैंने कहा कि ये कभी कभी कोई इंसिडेंट हो जाता है जिससे भ्रम हो जाता है कि कोई डर की भावना हो या कोई दबाव की भावना हो, बट तो भ्रम ही होना चाहिए और पुलिस और प्रशासन आपके साथ है। किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं, किसी दबाव में आने की ज़रूरत नहीं, और जो उत्साह यहाँ पर दिख रहा है उससे साफ जाहिर है कि लोग भी चाहते हैं कि शांति से और अच्छे से ये चुनाव हो, और पुलिस और प्रशासन अपनी पूरी मुस्तैद है, हम बहुत अच्छे से निष्पक्ष तरीके से चुनाव करें। कहते हैं कि भारत देश का दिल जो है वो गांव में धड़कता है और आत्मा जो है वो गांव में बसती है। इन्हीं गांव में अब इनकी सरकार बनने जा रही है। सीधे तौर पर कहें कि गांव की सरकार बनने जा रही है, इनकी अपनी सरकार बनने जा रही है, क्योंकि सरपंच के पास जो है वो डीडी अपनी एक डीडी पावर होती है, जिसके तहत कई सारे वो काम अपने स्तर पर करवा सकते हैं, सरकार से हो या प्रशासन से हो, जिसको लेकर के यहाँ लोगों में भी भारी उत्साह है। आप देख सकते हैं कि गाँव महिला वाली में हम यहाँ पहुँचे हैं। यहाँ चुनावों को लेकर के जो है, चाहे वो महिलाएं हों, युवा हों या बच्चे हों या दूसरे लोग हों, वो भारी संख्या में जो है वो मतदान करने आए हैं। उन्हें कहीं ना कहीं आशा है कि यहाँ जो नई पंचायत बनेगी, नए सरपंच बनेंगे, उनके जो गांव के विकास के काम होंगे, जो रुके हुए काम हैं वो पूरे हो सकेंगे। यहाँ जो लोग हैं, यहाँ हमें पता लगा कि इटली से भी, बाहर से भी जो कुछ लोग अभी खास तौर पर है वो वोटिंग के लिए ही यहाँ आए हैं, वोट डालने के लिए आए हैं। उनसे बात करते हैं कि आखिर इसके पीछे उनका उद्देश्य क्या है, वो क्या चाहते हैं कि किस तरह की सरकार बने, किस तरह की ये गांव की सरकार बने और किस तरह के काम हो। जी, आपका स्वागत है एनबी न्यूज चैनल पे। सर, आप कहाँ से आए हैं? मैं इटली से आया हूँ जी, परसों रात ही आया, बल्कि चुनावों के लिए विशेष तौर पे आए हैं। तो सर, ये तो यहाँ जो आप चाहते हैं कि गाँव में जो नए सरपंच या पंच चुने जाए, उनको लेकर के आप क्या सोचते हैं, क्या मुद्दे हैं गाँव के और आप लोग क्या चाहते हैं? देखो जी, गांव में विकास से पहले ही बहुत हुआ है। अगर हम किसी के ऊपर ब्लेम करें कि उसने ये नहीं किया, उसने वो नहीं किया, वो भी ठीक नहीं है। पहले भी जो रहे हैं उन्होंने भी अच्छे काम किए हैं। बाकी जो कमियां हैं अब जो रह चुकी हैं, जैसे गांव में एक हमारे डिस्पेंसरी जो है अरनोली है, वो हमें गाँव वालों को थोड़ा दूर पड़ता है, इसलिए हम सोच रहे हैं कि गाँव में एक डिस्पेंसरी हमारे पास पास होनी चाहिए, जिससे कि लोगों को दिक्कत ना आए। क्योंकि मैक्सिमम हमारे गाँव के जो लोग हैं, नारी हैं, वो बाहर रहते हैं, लेडीज़ वगैरह, उनको प्रॉब्लम होती है जाने में। अगर गाँव में ही आस पास हो तो पैदल भी जा सकती हैं, अगर कोई भी उनको समस्या है तो अच्छा। और गांव में कम ये सोच रहे हैं कि एक पार्क हो, बड़ा ग्राउंड हो, जिससे कि जो आजकल के बच्चे हैं, युवा नशे की ओर ज़्यादा जा रहे हैं, कि नशे से उनको दूर किया जाए। कोशिश तो यही है जी, और खेलों में उनका रुचि होगी, किसी भी तरह की गेम में रुचि हो उनकी, और बढ़िया जी, ठीक है, वैसे बढ़िया, कोशिश पूरी करेंगे। धन्यवाद जी। ये थे हमारे साथ साथी जो गाँव में स्पेशल इटली से, विदेश से जो है वो यहाँ वोट करने के लिए आए हैं, वोट डालने के लिए आए हैं। वो यहाँ कुछ महिलाओं से भी बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो जो ये नए सरकार बनने जा रही है, गांव की सरकार बनने जा रही है, इनसे क्या अपेक्षा करते हैं, क्या इनके विचार में कि क्या किस तरह से विकास होना चाहिए, किस तरह से विकास की जो है वो गति होनी चाहिए। जी नमस्कार जी। मैडम, ये जो इलेक्शन आप वोट डालने आए हैं, तो आपके गाँव में क्या क्या समस्याएं हैं, क्या विकास के मुद्दे हैं जिनको लेकर के आप वोट करने आए हैं? समस्या तो बहुत है, अब किस किस चीज का नाम लिया जाए। अगर समस्या हल होगी तो वो दोबारा बनेगा, जो भी अब बनेगा वो फिर दोबारा उसको मौका दिया जाएगा, यही होगा। अभी तो बनने के बाद ही पता चलेगा वो समस्या हल होगी कि नहीं। अभी आपके अभी क्या दिमाग में बात है, क्या मुद्दे हैं, क्या विकास के काम है जो रुके हुए हैं, जिनको आप चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हो? बहुत ही रुके हुए हैं, नालियां साफ नहीं है, गंदगी बहुत है, हर चीज साफ सफाई का होना चाहिए। सामने जोर देखो कितना है, बहुत है गंदगी, तो क्या करना है, समस्या तो हल करने के लिए बहुत है गांव। पता चला कि गांव में जो है, चलो शहर से ला लो, यहाँ पे देखा कि आपने जो लोगों में है चुनावों को लेकर के भारी उत्साह है, लोग चाहते हैं कि नए पंच सरपंच जो भी नियुक्त हो, जो भी बने, वो गाँव के विकास के लिए अपना पूरा जोर लगाएं। एएनबी न्यूज़ के लिए यमुनानगर से मोहित विज।